केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्हें सहारनपुर से यहां भेजा गया है। नए पुलिस कप्तान को बुके देकर चेहरा दिखाने की परंपरा पर नए कप्तान ने बाहर गेट पर यह नोटिस लगाते हुए रोक लगाने की कोशिश की कि कोई भी बुके आदि लेकर न आए। उनका यह पहला नोटिस वायरल हुआ तो कुछ ही देर में इसे हटा भी दिया गया। इसके बाद डॉक्टर विपिन मीडिया से मुखातिब हुए और उन तमाम सवालों को समझने की कोशिश की जिन्हें लेकर आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस कप्तान ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के साथ ही अच्छा कार्य करने वाले स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं आमजन से अपना आचरण सही न रखने वालों पर सख्ती भी देखने को मिलेगी। जनमानस के साथ ही जनप्रतिनिधियों, संभ्रांत नागरिकों व मीडिया के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए क्या कहा नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने। जहाँ तक आपका शराब पीने की बात है सार्वजनिक स्थानों पर, तो इसमें अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी और पुलिस कर्मियों को भी इसमें बताया जाएगा कि इस प्रकार से विधिवत कार्यवाही करनी है इसमें, ताकि किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। जो आपने ट्रैफिक की बात बताई है उसमें अगर ऐसी कोई दुराशय से कार्यवाही की जाती है और ऐसा संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही होगी। और हमारा पुलिस का मेरा प्रयास रहेगा कि मेरठ पुलिस आम जन के जीवन को सुगम बनाए, सुरक्षित बनाए, ना कि उसमें व्यवधान उत्पन्न करे, साथ ही सभी का सम्मान बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इस संबंध में मैं अपनी जो पुलिस टीम है उनके साथ जब मैं वार्ता करूंगा इस बारे में बताऊंगा। हमको भी उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जो आमजन है उनके सम्मान की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं की, बालिकाओं की, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को हम अपनी टीम को बीफ करके काम करेंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए अभी तक मैंने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग का समय नहीं मिला है। आज रात्रि में हम विचार करेंगे इस पे और जो भी यहाँ योजनाएं बनी है, क्योंकि मेरठ जैसा कि आप जानते हैं बहुत पुराना शहर है और पुलिसिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा इसमें यहाँ तैयारी पूर्व में भी रही है कई वर्षों में, तो उसी को देखते हुए हम आगे भी अपनी तैयारी दुरुस्त रखेंगे। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये त्यौहार जितने भी आते हैं उसमें लोगों का सहयोग करें। अगर कोई विधि विरुद्ध कार्यवाही है, कोई उनके द्वारा गलत काम किया जाता है तो उसे रोकें, परंतु इसके लिए त्यौहार में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, सभी को त्यौहार में पुलिस के द्वारा पूरा सहयोग। जी इसमें ऐसा है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, एक ही घर में अच्छे लोग भी होते हैं और उसी घर में बुरे लोग भी होते हैं। तो एसएसपी मेरठ के तौर पे मेरा काम रहेगा कि जो पुलिस में अच्छे लोग हैं उनको मैं प्रमोट करूं और जो दुराशय से पुलिसकर्मी गलत कार्य करते हैं उनका मैं उनको दंडित करूं और उनको काम से हटाऊं। इसी में हम अपनी टीम के साथ विचार विमर्श करके जो भी बातें सामने आएंगी, जो आप लोगों का फीडबैक होगा, जो मेरठ वासियों का फीडबैक होगा, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रयास ये रहेगा कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी न्याय मिले और प्रयास पुलिस पूरे करें कि उसको न्याय मिले। सर मेरठ के ज्यादातर थानेदार समय पर बैठते हैं, लेकिन अपराधों को लेकर देखिए हर व्यक्ति का काम करने का अपना अलग तरीका होता है और मैं इस बात में मैं पुलिस कर्मियों को स्वतंत्र रखूंगा कि वो किस प्रकार से क्या कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बात ये ध्यान रखने वाली होगी कि उसमें दुराशय ना हो। हर व्यक्ति एक तरीके से काम कर नहीं सकता, लेकिन अगर अच्छे उद्देश्य के साथ वो काम करेंगे उनको पूरा समर्थन मिलेगा,
साथ ही जो फरियादी थाने पे आते हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि थाने में इतना पुलिस बल है कि किसी न किसी स्तर पे उसकी सुनवाई अवश्य होनी चाहिए। यदि थाने में सुनवाई नहीं हो रही तो इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी या वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है, और इसको किस प्रकार से करना है ये भी मेरे द्वारा उनको बताया जाएगा और सारी व्यवस्था देखी जाएगी। पहले मैं समझ लूँ, उसके बाद ही मैं इसमें कोई सुधार का, जैसा आप लोगों से फीडबैक लेकर उसमें कार्यवाही की जाएगी। गारंटी हमारी पुलिस टीम ने किया, परंतु फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो अभ्यस्त अपराधी हैं और संगठित अपराध में जो लोग लिप्त हैं उनके विरुद्ध हमारे उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमारी टीम से समन्वय बना और कठोर कार्यवाही उनके विरुद्ध की जाए, डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधी चिन्हित रहें और कार्यवाही करने में कोई कोताही ना बरती जाए ऐसे अपराधियों के विरुद्ध। साथ ही जो हमारे आमजन हैं मेरठ के, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सुरक्षा ना सिर्फ प्रदान की जाए बल्कि उनको आभास भी हो, जो भी लोग घरों से निकलते हैं वो सुरक्षित माहौल फील करें और वापस घर सुरक्षित लौटें, हमारी सड़कें, हमारे सार्वजनिक स्थान सुरक्षित हो, इसका पूरा प्रयास होगा और इसमें हमारी जो पुलिस टीम है उनका पूरा सहयोग लिया जाएगा। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो मुझे बताया गया कि एक यहाँ बड़ा बिंदु है विचार का, जिस पर कि हम हमारी सहयोगी टीम से बात करके और इसमें हम कार्यवाही करेंगे। साथ ही जो अन्य चीज़ें हैं वो हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया बंधु हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आमजन हैं, उनसे जो भी फीडबैक प्राप्त होगा उनसे संवाद करके जो भी समस्याएं सामने आती है उस पर हम अपनी टीम का साथ विचार विमर्श कर कठोर कार्यवाही करेंगे। और कुछ लोगों के लिए शहर की फिजा अगर ख़राब होती है या अपराध किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, तो उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनमें अनुशासन, पुलिसकर्मियों में अनुशासन बना रहे, जो अच्छे लोग हैं पुलिस में उनको प्रमोट किया जाए और जो दुराशय से गलत काम करते हैं उनको दंड मिले, इसमें स्थिति स्पष्ट रहेगी। जो पुलिस का वेलफेयर है, हमारे आरक्षीगण हैं, उनको जो भी संभव सुख सुविधाएं हैं अपने कार्य करने के लिए वो प्रदान की जाए। साथ ही जो हमारे सम्मानित लोग हैं यहाँ पर वो संवाद कर सकें स्थानीय पुलिसकर्मियों से भी, उनका व्यवहार पुलिसकर्मियों का अच्छा रहे, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो भी बातें इसके अलावा आप लोगों के द्वारा बताई जाएंगी या जनप्रतिनिधियों द्वारा, सम्मानित हमारे व्यापार बंधु हैं, हमारे अधिवक्तागण हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो भी जन सामान्य के लोग हैं उनकी जो समस्याएं आती है उस पर आगे संज्ञान लेकर कार्यवाही किया जाएगा।